नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे और जिस टॉपिक का नाम है G20। अभी हाल ही में यह बहुत चर्चा में है क्योंकि G20 का जो शिखर सम्मेलन है उसका वर्ष 2023 में जो आयोजन हुआ है वह अपने देश भारत में हुआ है। तो चलिए हम आज के अपने इस वीडियो में इस G20 के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वह बात करेंगे G20 की स्थापना की। तो G20 की स्थापना 26 सितंबर 1999 को हुई थी। इसका अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो G20 का कोई भी हेडक्वार्टर नहीं है, यह भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, जो G20 है इसमें सदस्य देशों की संख्या जो है इसमें 19 देश शामिल हैं और यूरोपीय संघ, इसको मिलाकर ही यह G20 कहलाता है। इसके अलावा 2023 में अफ्रीकीय संघ और इसमें सम्मिलित हो गया, तो हो सकता है कि अब इसका नाम G20 बन हो जाए, लेकिन जो G20 नाम है उसमें 19 देश और यूरोपीय संघ मिलाकर इसको G20 कहा जाता है। आगे देखें तो सबसे पहले जो ग्रुप बना था वह ग्रुप बना था G6। ये जो 6 देश आप देख रहे हैं, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और USA, यह मिलाकर G6 बना था। इसके बाद इसमें कनाडा सम्मिलित हो गया, इसको G7 का नाम दे दिया और रूस शामिल हो गया था तो इसे G8 का नाम दे दिया, लेकिन अब G7 फिर से हो गया है क्योंकि रूस को इससे बाहर कर दिया है, तो अब G7 चलता है और सभी देशों को मिलाकर G20 चलता है। अब कौन कौन से इसमें देश हैं उन देशों को हम देख लेते हैं। तो इसमें जो देश हैं वह है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, इसके अलावा फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण कोरिया, तुर्की, UK, USA और यूरोपीय संघ, यह मिलाकर G20 के सदस्य देश हैं। इसके अलावा 2023 में अफ्रीकी संघ भी इसमें सम्मिलित हो गया। आगे अगर बढ़ें तो अभी इस वर्ष की जो अध्यक्षता है वह भारत के पास है। अब इस अध्यक्षता के लिए अलग अलग प्रकार के 5 ग्रुप बने हैं। ग्रुप 1 में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सऊदी अरब और USA सम्मिलित है। ग्रुप 2 में भारत, रूस, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की सम्मिलित है। ग्रुप 3 में अर्जेंटीना, ब्राज़ील, मैक्सिको सम्मिलित है। ग्रुप 4 में फ्रांस, जर्मनी, इटली, UK सम्मिलित है और ग्रुप 5 में चीन, इंडोनेशिया, जापान और दक्षिण कोरिया सम्मिलित है। इसी ग्रुप में किसी एक देश को इसकी सदस्य अध्यक्षता करने को मिल जाती है, ठीक है। जैसा कि अगला जो G20 का शिखर सम्मेलन होना उसकी अध्यक्षता मिली है ब्राज़ील को। आगे बढ़ते हैं, अगर हम बात करें पहले G20 सम्मेलन की तो यह दिसंबर 1999 में जर्मनी की राजधानी बर्लिन में पहला G20 का सम्मेलन हुआ था। लेकिन अगर बात करें कि शिखर सम्मेलन की तो 2008 से शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष आयोजित किया जाने लगा। और सबसे पहला जो G20 का शिखर सम्मेलन था वह कहाँ हुआ था, वह USA में हुआ था। इसके अलावा जो 2009 में G20 को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए एक प्रमुख मंच नामित किया गया था। अगर हम बात करें एक शब्द जिसमें आता है ट्रोइका, ठीक है, तो ट्रोइका में जो अध्यक्ष पहले था, जो वर्तमान में है और जो अध्यक्ष होगा, इन तीनों को मिला के हम इसको ट्रोइका बोलते हैं। जैसे इंडोनेशिया 2022 में था, 2023 में भारत था और 2024 में ब्राज़ील हुआ, तो इस पूरे को मिला के ये ट्रोइका कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं, जैसे कि हमने ऊपर ही बताया कि 2022 में G20 का सम्मेलन इंडोनेशिया में हुआ था, ठीक है, 2023 में इसका सम्मेलन अपने देश भारत में हुआ है और भारत के पास 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता है। 2023 की जो थीम है वह है वसुधैव कुटुंबकम और एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य। इसके अलावा जो 2024 में यह ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में इसका अगला सम्मेलन होगा।
आगे बढ़ते हैं, जो इस बार का लोगो आप देख रहे हैं इस लोगो के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है इसके जीवंत रंगों, क्योंकि केसरिया सफ़ेद हरा और नीला है, इस रंग से प्रेरित कर यह लोगो डिजाइन किया गया है। इसमें भारत के राष्ट्रीय पुष्प कमल को पृथ्वी ग्रह के साथ प्रस्तुत किया गया है, जो चुनौतियों के बीच विकास को दर्शाता है। पृथ्वी जीवन के प्रति भारत के पर्यावरण अनुकूल दृष्टिकोण को दर्शाती है, जिसका प्रकृति के साथ पूर्ण सामंजस्य है। और जो G20 का लोगो है इसके नीचे देवनागरी लिपि में भारत लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं, जो G20 की भारत की समिट है इसमें जो अतिथि देश हैं वह देश कौन कौन से हैं, तो इसमें बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और UAE, यह इसके क्या है, इसके यह आमंत्रित सदस्य देश हैं। इसके अलावा जो स्पेन है वह स्थायी अतिथि है, यह आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, G20 की समिट में कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को भी बुलाया गया, जैसे UN हो गया जिसको हम कि यूनाइटेड नेशन बोलते हैं, IMF हो गया जिसको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के नाम से जान देते हैं, WB हो गया जिसको वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, जो WHO है यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, WT है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ILO है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, FSB है यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड है, और OECD है ऑर्गेनाइजेशन एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, यह अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक संगठन है जिसको इस समिट में बुलाया गया। इसके अलावा कुछ क्षेत्रीय संगठनों को बुलाया गया, जैसे कि AU हो गया अफ्रीकन यूनियन, AUDA हो गया अफ्रीकन यूनियन डेवलपमेंट एजेंसी, और ASEAN यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसमें यह क्षेत्रीय संगठन आमंत्रित किए गए थे। इसके अलावा कुछ नए सदस्य भी बुलाए गए हैं, जैसे ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, CDRI यानी कि कोएलेशन फॉर डिजास्टर इंफ्रास्ट्रक्चर, और ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक को इसमें नए रूप से आमंत्रित किया गया था। अगर बात करें G20 की, तो भारत की जो G20 की प्राथमिकताएं हैं वह तो पहली यही है हरित विकास, जलवायु, वित्त और पर्यावरण के लिए जीवन शैली, इसको कि लाइफ नाम दिया गया है, त्वरित समावेशी और लचीला विकास, सतत विकास लक्ष्यों जो कि SDG पर प्रगति में तेजी लाना, तकनीकी परिवर्तन और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, और 21वीं सदी के लिए बहुपक्षीय संस्थाएं और महिलाओं के नेतृत्व में विकास, यह भारत की G20 की प्राथमिकता है। अगर हम G20 का उद्देश्य देखें तो यह है कि अपने सदस्यों के बीच नीतियों का समन्वय करना, दूसरा है संकट को कम करना, तीसरा है भविष्य के वित्तीय संकट को रोकने के लिए वित्तीय नियमन को बढ़ावा देना, और चौथा है एक नई अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना तैयार करना। अगर हम बात करें इस G20 में दो शब्द आते हैं, पहला आता है वित्त ट्रैक, जिसको वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर वित्त ट्रैक का नेतृत्व करते हैं, और दूसरा आता है शेरपा ट्रैक। तो जो शेरपा ट्रैक है इसका नेतृत्व करते हैं शेरपा, और शेरपा जो भारत के या किसी भी देश के मुखिया के द्वारा नॉमिनेटेड सदस्य है जो कि उस देश का प्रतिनिधित्व करता है, उसे हम शेरपा कहते हैं। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।